कोरोना संक्रमण काल के दौरान में जहां स्वास्थ्य सेवा की अगर हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवा बक्सर में किस तरह से है, अभी हम यहां मौजूद हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बक्सर में, जो कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यहां पर कार्यरत है। हम दिखाना चाहेंगे कि अभी यहां का क्या हालात है, क्योंकि जिला मुख्यालय का यह हॉस्पिटल जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहीं से पोस्टमार्टम का भी डिपार्टमेंट संचालित किया जाता है। पोस्टमार्टम के डिपार्टमेंट संचालन के साथ साथ देख सकते हैं ओपीडी कक्ष का ये इमरजेंसी रूम है, और इसके स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ ऑन ड्यूटी चिकित्सक की अगर हम लोग बात करें तो ऑन ड्यूटी चिकित्सक का कक्ष है, कक्ष में अभी हैं कोई नहीं यहाँ मौजूद, और तमाम तरह की यहाँ व्यवस्थाएँ कही जाती है कि 24/7 यह संचालित किया जाता है। अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए मुराद थाने की पुलिस पहुँची हुई है, और स्थिति अस्पताल परिसर में किस तरह का है, क्या हालात है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये 24/7 लेबर डिपार्टमेंट है, जिसमें जच्चा और बच्चा को रखने की बात कही जाती है, रखने की सुविधा की अगर हम लोग बात करें तो वेल मेंटेन्ड, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह मेंटेन यहाँ पर लेबर रूम है, लेकिन लेबर रूम में यहाँ कोई अभी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ अगर जनरल वार्ड की हम लोग बात करें तो जनरल वार्ड आप देख सकते हैं कि जनरल वार्ड में अभी एक भी पेशेंट यहाँ मौजूद नहीं है। अगर पेशेंट की बात हम लोग करें या यहाँ लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती होंगी उसकी हम लोग बात करें, बच्चों को दिए किए जाने वाले ममता द्वारा किए जाने वाले कार्य से लेकर के अन्य तरह की सुविधाओं का जिक्र यहाँ किया गया है। यहाँ एमरजेंसी रूम मौजूद है, रात का समय है, अंधेरा है, और अंधेरे में जो ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। महिला ड्यूटी स्टाफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी मौजूद हैं, लेकिन कोई पेशेंट नहीं रहने के कारण वो अपने रूम में अभी बैठी हुई हैं। कोई पेशेंट जैसे ही आएगा वो ऑन ड्यूटी आएंगी। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मी की अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का एक ANM को छोड़ करके कोई कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, सुरक्षा दस्ता की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से पोस्टमार्टम की आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मुराद थाने की पुलिस आई हुई है, यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ मौजूद हैं। सर, आपकी ड्यूटी है यहाँ, क्या है आप? हम यहाँ के गार्ड प्रभारी। अच्छा, गार्ड प्रभारी जी। तो अभी आपके हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नदारद हैं? नहीं, डॉक्टर तो हैं, लेकिन कोरोना यहाँ ये तो बनाया गया है कहीं, वहाँ पर गए हुए हैं चिकित्सा करने के लिए, फिर वहाँ से तुरंत आ जाएंगे। तो कोरोना कोविड वार्ड से लेकर के सब कुछ वही देखते हैं? नहीं, दूसरे की ड्यूटी है, लेकिन अभी वो हमसे बोल कर जो गए हैं वो हम बता रहे हैं, वो आ करके यही रात्रि भर रहेंगे, उठ उठ करके उधर भी देख लेते हैं इधर भी। अभी कितना समय हो रहा होगा? अभी करीब करीब टाइम हो रहा है 9:19, 9:19 तो उन्नीस मिनट। तो नाइट शिफ्ट अब प्रारंभ हो गया है, 8 बजे के बाद नाइट शिफ्ट जी। नाइट शिफ्ट में आपके यहाँ कितने मरीज आए हैं अभी? तो नाइट शिफ्ट में एक भी मरीज नहीं। सेकंड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो आज कितने मरीज आए हैं? करीब करीब 25-30। और सुबह में 8 से 2 वाले में आउटडोर जिसमें चलता है उसमें कितने मरीज आए हैं? उसमें 8 से 10 वाला शिफ्ट जो है या 12, उसमें करीब करीब 20 या 15 लमसम। अच्छा, एक बात और बताइए जो हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर कितने स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की गई है ऑन ड्यूटी? हमारे उसका कोई चार्ट वगैरह कहीं लगा है क्या यहाँ जो ड्यूटी में जो लोगों को रहना है उनका? नहीं, ऐसा चार्ट तो नहीं हम देखे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि 2 ANM लोग रहती हैं, 1 सफाई कर्मी रहती हैं और 1 डॉक्टर साहब। 3 इमरजेंसी में? 3 इमरजेंसी में। और आउटडोर में? आउटडोर में भी बस यही यही। क्या नाम हुआ आपका? मैं संतोष पांडे। और यहाँ किसी तरह का कोई अन्य अगर हम लोग इमरजेंसी में किसी पेशेंट के आने की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इलाज अभी संभव है? डॉक्टर साहब रहेंगे तो इलाज संभव है,
अगर नहीं रहेंगे तब तो इलाज संभव नहीं है। कहें कि उधर जब चले जाएंगे और रोगी आया घबरा करके फिर रोगी को लेकर चला गया तो फिर उस समय तो होगा नहीं। जिला मुख्यालय स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक तल्ख हकीकत देख सकते हैं, कागजों में ही चल रहा है। महज ड्यूटी के नाम पर औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।